तो है उस गाइस, आई एम बैक टू वेलकम इन अदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको देखूँगा M416 के बेस्ट अटैचमेंट्स। इस पर दो लोडआउट्स होंगी और जिन लोगों को नहीं बता, मुझे परसों M4 ग्लेशियर मिल चुकी थी, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ भाई। और मैं इसमें आपको दो लोडआउट्स बताऊँगा, एक होगा ट्रायड लोडआउट, दूसरा होगा मेरा लोडआउट जो कि बेस्ट है। सो पहले आते हैं ट्रायड लोडआउट पर, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है भाई। सो पहला जो अटैचमेंट्स है वो है हमारा कंपनसेटर, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिकॉइल को रिड्यूस करता है यानी डिक्रीज करता है, जो कि स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा काम आता है। सो अभी हमारा नेक्स्ट अटैचमेंट जो आता है वो है रेड डॉट साइट। ये आपको लाइक रेड डॉट साइट का विजन देगा, आपको बताया होगा ये रेड डॉट आपको एमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, लाइक आप एमिंग को हेड पे भी मार सकते हो ईजिली थोड़ा। सो मतलब अब हमारा थर्ड अटैचमेंट जो आता है वो है टैक्टिकल स्टॉक, जो रिकॉइल को रिड्यूस करता है, वेपन शेक को भी रिड्यूस करता है। इसका मतलब ये गन बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। एक ओपोनेंट्स को आप देख सकते हो गेम प्ले में, उसी लोडआउट का गेम प्ले है ये, और इस गन कितना ज़्यादा स्टेबल है। सो फोर्थ जो अटैचमेंट है वो है एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग, जो कि रिलोडिंग स्पीड को इंक्रीज़ करता है और मैग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। आप 40 राउंड मैग वाला भी यूज़ कर सकते हो नॉर्मल, पर उसमें रिलोडिंग स्पीड नहीं होगी। सो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फिफ्थ अटैचमेंट की तरफ, वो है थंब ग्रिप, जो आपकी स्कोप ओपनिंग टाइम को रिड्यूस करता है और वर्टिकल रिकॉइल को रिड्यूस करता है और स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। स्कोप ओपनिंग टाइम को रिड्यूस करता है, जो आपके रेड डॉट साइट जल्दी ओपन होती है। सो अभी मैं आपको लोड आउट दिखा देता हूँ इसका। सो ये रहा अपना लोड आउट, अब देख तो कंपनसेटर आना पड़ेगा आपको, रेड डॉट और फिर एक टैक्टिकल स्टॉक और फिर लास्ट लेवल का मैग और एक थंब ग्रिप, जो कि आपका गन को बढ़िया बनाता है। सो अभी बढ़ते अपने दूसरे वाले पर, ये मेरा पर्सनल फेवरेट और मेरा अटैचमेंट्स है। सो सबसे पहले जो अटैचमेंट्स आती है इसमें, बैरल एक्सटेंडर, यह आपकी रेंज को इंक्रीज करता है और आपकी डैमेज को भी इंक्रीज करता है स्लाइटली। सो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल अटैचमेंट्स है, मेन है कंपनसेटर के अलावा, क्योंकि कंपनसेटर MP में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सो सेकंड अटैचमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, वो है टैक्टिकल स्टॉक, जो कि लाइक नॉर्मली रिकॉइल को रिड्यूस करता है और वेपन शेक को लेके ज़्यादा स्टेबिलिटी पर बेस्ड है ये अटैचमेंट्स। सो अभी अपना थर्ड नंबर का अटैचमेंट्स जो है वो है रिलोडिंग के लिए भाई, लाइक नॉर्मल एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग, जो रिलोडिंग स्पीड को इंक्रीज करता है, मैग कैपेसिटी को आप नॉर्मल 40 राउंड का भी लगा सकते हो लास्ट टाइम की तरह। सो ये आपके गन बुलेट्स को इंक्रीज करेगा जल्दी और रिलोडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको यही लगाना चाहिए। सो अभी हमारा लास्ट अटैचमेंट आता है वो है लेज़र साइट। कुछ लोग सोच रहे हैं क्यों लेज़र साइट, क्योंकि वो हिप फायर स्प्रेड को लाइक रिड्यूस करता है, जो कि MP में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि हम MP में ज़्यादा हिप फायर ही करते हैं, ना कि ADS फायर मतलब स्कोप वाला। आप देख सकते हो लोड आउट, अगर आपको चाहिए तो रेड डॉट लगा सकते हो, पर मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। लास्ट वाले में मैंने इसीलिए थंब ग्रिप लगाया था, क्योंकि मैंने उस पर रेड डॉट लगाया था। सो गाइस, आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगा। वीडियो अच्छी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और मैंने सुना था कि हम लोग नाक से सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा सकते, आई थिंक हो सकता है, ट्राई करो एक बार और मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताना। सो आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाई।